This is three bedroom house plan design. Now start this plan design. And this is door. And this is door. This is three bedroom house plan design. And इसके साथ एक गैरेज एंड अटैच टॉयलेट एंड कॉमन टॉयलेट डी फॉर डोर एंड दिस इज डोर डी एंड दिस इज गेट तो थर्ड गेट एंड इधर एंट्री आप दिस इज एंट्री तो नेक्स्ट इधर रूम के अंदर जाने के बाद इधर एक डोर हम ऐसे क्रिएट करेंगे जो ऊपर में इसके ऊपर एक मेजरली फ्लोर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले इसका जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 125 mm वॉल 5 इंच का वॉल एंड इधर हमारा रहेगा फ्रंट साइड में एक डोर के साथ विंडो ओके। और इसमें जो इंटरनल पार्ट यहाँ पर 5 इंच का वॉल आपको दिखाई देगा इधर भी 5 इंच का वॉल हम प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ हम इसके जो वेंटिलेटर है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करना है कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर रहेगा आपका 5 इंच का वॉल जो इंटरनल पार्टीशन वॉल और आउटर पार्टीशन वॉल के साथ 5 इंच वॉल में यहाँ पर ड्राइंग हमने करके रखा है। अगर आपको ड्राइंग के अंदर कुछ भी ऐड करना है कुछ भी इसके अंदर रिमूव करना है तो आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो वॉल है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है उसके अंदर कुछ विंडो पार्ट यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसमें हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ओके। यहाँ पर ऐसे विंडो यहाँ पर जो बाहर की तरफ ऐसे रहेगा विंडो पार्ट यहाँ पर वेंटिलेटर यहाँ पर आपको वेंटिलेटर दिखाई देगा उसके बाद यहाँ पर विंडो उसके साथ चार्जर अगर चार्जर आप करेंगे तो ऐसे रहेगा यहाँ पर आपको विंडो दिखाई देगा इधर भी आपको विंडो का पार्ट चार्जर बाहर में रहेगा ओके। यहाँ पर विंडो नेक्स्ट इधर विंडो तो विंडो जो है यहाँ पर 5 इंच वॉल के अंदर जो है 4 फीट वाइड विंडो यहाँ पर हम क्रिएट किया है इसके अंदर। उसके बाद डोर भी है इसके अंदर तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग है 34 फीट 7 इंच ओके 34 फीट 7 इंच यहाँ पर वाइड और इधर 39 फीट 3 इंच 39 फीट 3 इंच तो इसका मतलब आपका टोटल जो आएगा 35 फीट × 40 फीट का हाउस प्लान डिज़ाइन ओके। इतने जगह के अंदर आपको ये जो प्लान है इसको मिल जाएगा टोटल 1400 square feet एरिया। तो इसके अंदर हम 3 बेडरूम के साथ यहाँ पर कार पार्किंग एरिया भी सेट कर दिया ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में रहेगा कार पार्किंग एरिया देखिए कार पार्किंग एरिया ओके। तो कार पार्किंग एरिया इस यहाँ पर हम स्टैंडर्ड साइज 11 फीट बाई यहाँ पर आएगा 14 फीट 0 इंच कार पार्किंग एरिया। यहाँ पर जो रहेगा स्टेयर कम लिविंग रूम तो इधर रहेगा बारंदा यहाँ पर एक वेटिंग रूम वेटिंग रूम यहाँ पर डोर तो स्टेयर से आप थोड़ी देर ऊपर जाएंगे तो इधर से आपको एक इसके ऊपर मिल जाएगा मेजरनी फ्लोर ठीक है इसके ऊपर। तो चलिए इसका जो मेजरमेंट है टोटल यहाँ पर 12 फीट
4 इंच, एंड इधर आपको टोटल 13 फीट 7 इंच का जगह यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक एक ट्रेड का वाइड 3 फीट, इधर 3 फीट, इधर 3 फीट आपको ऐसे जगह मिलेगा। वेटिंग रूम जहाँ पर है, यहाँ पर आपको बाहर से जो आएगा आपका बाहर का जो आदमी आएगा, 10 फीट बाई 8 फीट 7 इंच का जो जगह है, यहाँ पर वेट करने का आप एक जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद डोर से आएगा अंदर, यहाँ पर रहेगा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, डाइनिंग हॉल, ओके। यहाँ पर कॉमन बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर अटैच टॉयलेट रूम के साथ। तो चलिए, इसका जो मेज़रमेंट यहाँ पर टोटल 15 फीट 9 इंच, एंड इधर जो है डिस्टेंस 12 फीट 0 इंच, ओके। यहाँ पर लैड बाथ जहाँ पर है 5 फीट 7 इंच, यहाँ पर जो है 7 फीट 7 इंच, यहाँ पर 4 फीट, और इधर आपको मिलेगा 5 फीट 7 इंच। नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम इधर से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर 13 फीट 0 इंच, यहाँ पर डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट इधर जो है डिस्टेंस यहाँ पर 12 फीट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर किचन, किचन इधर डिस्टेंस 8 फीट 4 इंच, और इधर डिस्टेंस 8 फीट। नेक्स्ट इधर मिलेगा आपको और एक बेडरूम, तो बेडरूम इधर डिस्टेंस 11 फीट 7 इंच, एंड इधर डिस्टेंस मिलेगा आपको 12 फीट, ओके। नेक्स्ट इधर भी एक बेडरूम, डिस्टेंस सेम मिलेगा यहाँ पर 11 फीट 7 इंच यहाँ पर, और इधर जो आपको 12 फीट। तो इसके बाद जो प्लानिंग है इसका, देखिए टोटल प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको, 3 बेडरूम, ओके, 1 पार्किंग, ओके, किचन प्लस इसके साथ बाथ लैट्रिन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, इसके अंदर कुछ कॉलम पोजीशन हम ऐड करते हैं। तो कॉलम ऐड करने के बाद आपको जो आइडिया मिलेगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ओके। तो यहाँ पर जो 15 फीट का है, तो आप इधर ऐसे कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो आउटसाइड वॉल, यहाँ पर आपको 5 इंच और इनसाइड वॉल में आपको 5 इंच का वॉल दिखाई देगा, और इसका कॉलम साइज है 10 बाई 12 इंच का कॉलम। टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आएगा इसका, देखिए कॉस्टिंग 20 लाख प्लस। तो फ्रंट साइड इधर आएगा आपका, ज़मीन के हिसाब से आप फ्रंट साइड यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये तो प्लान और डिज़ाइन, अच्छे लगे लाइक और शेयर कर देना।